कुछ मोबाइल, इन्होंने इंडिया में ये चालू किया, तो इस सबसे फिर हमने मोबाइल एग्रो का जो है वो मशीन ले लिया। हम पर डे कम से कम 3.5 से 4 लाख पौधा पर डे ये मशीन से डाल रहे हैं। कि हर पौधा 1 इंच नीचे तो 1 इंच आने वाला है, हर पौधे सेंटर में आने वाला है, वो सबसे बढ़िया हमारे लिए अच्छा रहता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में मिल गए, वो भी कम रेट में मिल रहे, तो क्यों ना यूज़ करो। इंडियन लोगों को भी मतलब पैसा मिलेगा, पैसा इंडिया के इंडिया में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। सर जी, मेरा नाम है माधव बाचोरकर, हमारा बालाजी नर्सरी दिंडोरी में। हम 2007 से नर्सरी चला रहे हैं। पहले हम जरा मैनुअली काम करते थे, तो फिर बीच में लेबर का बहुत प्रॉब्लम था, तो लेबर नहीं आते, कभी कभी टाइम पे नहीं मिला, तो फिर किसान लोगों का ऑर्डर हम टाइम पे नहीं दे सकते थे। तो फिर हमने ये जो टेक्नोलॉजी बाहर जाके देखा था, लेकिन हमारे यहाँ जो मोगल जी है, आदित्य मोगल और अंकुश मोगल, इन्होंने इंडिया में ये चालू किया, तो इस हिसाब से फिर हमने मोगल एग्रो का जो है वो मशीन ले लिया। उससे हमको जो बेनिफिट हो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो पौधे डाल रहे हैं एक जैसे एक शरीर के जैसे आ रहे हैं, जो लेबर से नहीं हो पाते थे, बराबर है। और दूसरी बात, लेबर सेविंग भी हो रहा है हमारा, कॉस्ट सेविंग कैसे हो रहा है कि हमको 20 या 25% लेबर कॉस्टिंग कम लग रही है। पहली बात, हमको एवरेज अच्छा मिल रहा है। हम पर डे कम से कम 3.5 से 4 लाख पौधा पर डे ये मशीन से डाल रहे हैं, ये 8 घंटे में। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम नाइट को भी काम करते हैं, जैसे नाइट को लेबर कम, लेबर भी चला सकते हैं। ये सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी मोगल जी ने लाया है, तो हम इस सबसे काम कर रहे हैं। अभी जब हमारे पास मशीन नहीं था, वो टाइम पे क्या है ना सर जी, जैसे लेबर डाल रहे थे, कोई लेबर पौधे को नीचे डाल रहे थे, कोई ऊपर डाल रहे थे, तो उनका एक जैसे तरीका से सीडलिंग ऊपर नहीं आता था, तो वो वजह से हमारा जो जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आता था, अप डाउन हो जाता था, एक जैसे नहीं दिखाई देता। लेकिन मशीन से एक बात हो गई कि हर पौधा 1 इंच नीचे तो 1 इंच आने वाला है, हर पौधा सेंटर में आने वाला है, वो सबसे बढ़िया हमारे लिए अच्छा लगा। वो हिसाब से हमारा टाइम भी कम लगा, सीड कॉस्ट भी, मतलब सीड भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, हर सीड एक सेंटर में जा रहा है, तो जर्मिनेशन भी अच्छा बढ़िया मिल रहा है। वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन जैसे जा रहे हैं तैसे इंडिया में भी लेबर की बहुत ही कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि लेबर को कम, मतलब बहुत काम रहते तो भी यहाँ इतना लेबर, टेक्निकल लेबर नहीं मिलते, तो ये मशीनरी आ गई, हमारा काम भी आसान हो जाता है। और रह गई लेबर की बात, तो लेबर भी कम हो जाते हैं, अच्छे लेबर मिल सकते हैं, और टेक्निकली भी साउंड हो जाते हैं। मशीन से काम हो गया तो हमारा भी टाइम भी बच जाता है और वक्त भी हम काम कर सकते हैं। 2018 में एक्चुअली मैं इटली में गया था, इटली में ये टेक्नोलॉजी हमने देखा था उर्वानती कंपनी में। तो अभी उसके आने के बाद हम आदित्य सर से और अंकुश सर से भी बात भी कर दिया, तो क्यों ना हम इंडिया में ये टेक्नोलॉजी और भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने उसमें बहुत सारा मतलब बाद में आने के बाद भी उससे, और वो खुद भी जाके आए, उन्होंने बहुत उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ किया है और अच्छा रिजल्ट दे दिया। इंडिया में मशीन जो आ रहा है सर जी, अपना पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है, बराबर है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में मिल गए, वो भी कम रेट में मिल रहे, तो क्यों ना यूज़ करो। इसलिए इंडियन मशीनरी ही यूज़ करना जरूरी है। उसमें दो चीज़ें हैं, जैसे इसका कोई भी पार्ट गया तो तुरंत हम इंडिया में अरेंज कर सकते हैं, हमारा ज़्यादा दिन तक काम रुकता नहीं है। यही चीज़ जब बाहर का ले लें तो समझो वो पार्ट की कॉस्ट हो 1000 रुपये, तक कम से कम यहाँ आने तक उसकी GST वगैरह सब भर के वो 2000 तक जाती है, मतलब दुगना पैसा लग रहा है। तो उससे अच्छा यही पे करें तो इंडियन लोगों को भी मतलब पैसा मिलेगा, पैसा इंडिया के इंडिया में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ों के लिए हम तो मोगल जी के धन्यवाद मानेंगे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी हमको दे दिया है। और हमारे जो नर्सरी भाई है, छोटे मोटे जो नर्सरी भाई है, इन्होंने ये चीज़ ज़रूर यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे 100% आपको फ़ायदा ही होने वाला है।